हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं लहसुन और हरी मिर्च का अचार बना रही हूँ। लहसुन और हरी मिर्च का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। जब भी खाना फीका लगे तो आप लहसुन और हरी मिर्च के अचार को खा सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो आप लहसुन हरी मिर्च के अचार को बना के रख लीजिए और जब मन चाहे आप इस अचार को खाने के साथ में खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, लहसुन खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। हमें सुबह खाली पेट लहसुन को खाना चाहिए, जिससे बहुत सी बीमारियां दूर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी तरह से आप लहसुन को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। आप रोज़ाना खाना बनाने में लहसुन को ज़्यादा यूज़ कीजिए। चाहे तो आप इस तरह से लहसुन का अचार बना के रख सकते हो और लहसुन के अचार को खा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, लहसुन और हरी मिर्च के अचार को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लहसुन और हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को मैंने पानी से अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और इसे मैंने एक टोकरी में रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा सारा पानी निकल जाए और हरी मिर्च जो है ये ड्राई हो जाए। मैंने इस टोकरी को पंखे के नीचे रख दिया था और ये अच्छे से सूख चुकी है। अचार डालने के लिए मिर्च बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो किसी भी कॉटन के कपड़े से लेके मिर्च को पोंछ सकते हो। अब सबसे पहले हम मिर्च की डंडियों को काट देंगे। अब फ्रेंड्स, मैं इन हरी मिर्च को छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लूँगी। मैं इस हरी मिर्च को 2 या 3 पीसेस में कट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें हरी मिर्च को कट करना है। इस तरह से हरी मिर्च को कट करने से अगर किसी को अचार में पूरी मिर्च नहीं चाहिए तो वो मिर्च को कम क्वांटिटी में ले सकता है। इसी तरह से हम बाकी बची हुई हरी मिर्च की डंडियों को कट करके और उन मिर्चों को आप पीसेस में कट करके तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी हरी मिर्च की डंडियों को कट करके उन्हें पीसेस में कट करके तैयार कर लिया है। और इसके अलावा मैंने लहसुन लिया है। लहसुन को मैंने छील कर तैयार कर लिया है। और फ्रेंड्स, लहसुन का अचार डालने के लिए लहसुन भी बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। लहसुन बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा हमें नमक, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी दाना, राई, कलौंजी, पीली सरसों और हींग चाहिए। अब फ्रेंड्स, मैंने फ्राई पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। गैस को हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही रखेंगे और इसमें हम सारे साबुत मसालों को डालेंगे। इसमें हम जीरा, सौंफ, मेथी दाना और अजवाइन को डालेंगे। गैस को हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही रखेंगे और इन मसालों को हम लगातार चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। हमें इन मसालों को तब तक भूनना है जब तक इनमें से हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए और इनका कलर जो है ये हल्का सा चेंज ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मसालों का कलर जो है ये हल्का सा चेंज हो चुका है और इसमें से हल्की सी खुशबू भी आ रही है। मसाले जो है अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन मसालों को हम पहले हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाले हल्के से ठंडे हो गए थे फ्रेंड्स और उसे मैंने मिक्सी में दरदरा सा पीस कर तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, नमक और आमचूर पाउडर को डाल रही हूँ। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। मिर्ची और लहसुन का अचार डालने के लिए मसाले रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम फ्राई पैन को गैस पर चढ़ा देंगे। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ।
हम सरसों के तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद में हम गैस को ऑफ कर देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और तेल को हम पहले हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अचार डालने के लिए अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो मसाले जो है वो जल जाएंगे, इसीलिए हम पहले इसे हल्का ठंडा कर लेंगे। तेल जो है ये अब हल्का गर्म है, अब मैं इसमें पीली सरसों, राई, हींग और कलौंजी को डाल रही हूँ। इसे हम कुछ सेकंड्स तक सोते कर लेंगे और साथ ही में हमने जो मसालों का मिक्सचर बना के रखा हुआ है वो सारे मसाले अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मसाले हल्के से भुन चुके हैं फ्रेंड्स, अब मैं इसमें लहसुन को डाल रही हूँ। लहसुन को हम मसालों के साथ में अच्छे से मिला लेंगे और साथ ही में हम इसमें हरी मिर्च को भी डाल देंगे और हरी मिर्च को भी हम मसालों के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। लहसुन और हरी मिर्च का अचार बनके रेडी है फ्रेंड्स और ये बहुत ही टेस्टी बना है। हरी मिर्च और लहसुन को तो आप कच्चा भी खा सकते हो फ्रेंड्स, तो इसीलिए आप लहसुन और हरी मिर्च के अचार को इंस्टेंट खा सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टेंट लहसुन और मिर्ची का अचार खाना चाहते हो तो आप इस टाइम पे गैस को ऑन कर दीजिए और 2 मिनट तक आप इसे पका लीजिए। इसके अलावा आप इस अचार को किसी भी साफ और सूखे जार के अंदर डाल दीजिए और इसे आप 2 से 3 दिन की धूप लगा दीजिए। अचार 2 दिन में बनके रेडी हो जाएगा। अचार जब रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स तो आप उसे टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको कोई भी मसाला कम ज़्यादा लगे तो आप उसमें और ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको उसमें तेल कम लग रहा होगा तो आप थोड़ा सा तेल और ऐड कर दीजिए। लहसुन और हरी मिर्च के अचार को आप डिब्बे में भर के स्टोर कर लीजिए और आप इसे लंबे टाइम तक खा सकते हो। बस आप ध्यान रखिए कोई भी गीला चम्मच या गंदे हाथ जो हैं वो अचार को ना लगे। जब भी आपका तीखा खाने का मन हो तो खाने के साथ में आप इस अचार को ले सकते हो। और अगर खाने में कुछ फीका बना है या हल्का खाना बना है तो आप खाने के साथ में इस अचार को भी खा सकते हो, आपको खाना खाने में मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इस लहसुन और हरी मिर्च के अचार को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और कुछ भी पूछना चाहते हो इस रेसिपी के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।